अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। दोस्तों आपके साथ अहम तरीन अपडेट्स शेयर करने जा रहा हूं कि मोहम्मद रिजवान अपने ही हरीफ खिलाड़ी के साथ एक ही टीम में आज मैदान में उतर आए हैं, तो इस हवाले से आपके साथ अपडेट शेयर करूंगा। और इसके अलावा शान मसूद आज तारीख रकम करने जा रहे हैं, तो इस हवाले से भी आपके साथ अपडेट शेयर करूंगा। और इसके अलावा मार्नस लगुशेन की बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट निकल कर सामने आया, लेकिन किस के ऊपर, तो इस हवाले से भी आपके साथ अपडेट शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक क्रिकेट की जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स आएँ वो आप तक पहुँचती रहें। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें मोहम्मद रिजवान की, तो इंग्लिश काउंटी में आज मोहम्मद रिजवान और उनके साथ भारत से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद रिजवान के हरीफ प्लेयर, जी हाँ हरीफ टीम के प्लेयर हैं तो हरीफ ही होंगे, चतेश्वर पुजारा जो है वो मोहम्मद रिजवान की टीम का आज हिस्सा हैं और दोनों जो है एक साथ डेब्यू कर रहे हैं इंग्लिश काउंटी में। तो बहुत ज़्यादा जो है इनकी तस्वीर वायरल हो रही है कि एक भारत के खिलाड़ी, एक पाकिस्तान के खिलाड़ी और एक ही टीम में आज खेल रहे हैं, तो इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें शान मसूद की, तो तारीख रकम करने जा रहे हैं शान मसूद, दूसरा मैच खेल रहे हैं इंग्लिश काउंटी में। और आज शान मसूद जिस वक्त जिम में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उन्होंने 20 चौकों की मदद से 183 रन नॉट आउट बना रखे हैं, अभी वो नॉट आउट हैं। जिस वक्त जिम में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डर्बी शायर की टीम का हिस्सा है और उनकी जो मुखालिफ टीम है उसमें मोहम्मद रिजवान और चतेश्वर पुजारा उसी टीम में खेल रहे हैं, तो शान मसूद बड़ी तारीख रकम कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों मार्नस लगुशेन ने बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की है पाकिस्तान की, उनका कहना है कि पाकिस्तान में मैंने सच्चे दोस्त बनाए हैं। अगर बात करें शाहीन शाफरीदी की, मोहम्मद रिजवान की, और इसके अलावा उन्होंने इमामुल हक की भी तारीफ की कि इमामुल हक को भी मैंने अपना दोस्त बनाया, तो उनका कहना है कि अगली मरतबा भी मुझे दौरा करने का मौका मिला अगर ऑस्ट्रेलिया टीम का हिस्सा बनने का, तो मैं दौरा करूँगा ज़रूर पाकिस्तान का, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। अगर आपको अपडेट अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें।